चलिए रुक करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, खबर भोपाल से, जहां सरकारी स्कूलों की हकीकत जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी विशेष शिक्षक नहीं है। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की यह हकीकत आपको बताया कि दिव्यांग के पढ़ाने के लिए एक भी विशेष शिक्षक स्कूलों में नहीं है। आरटीआई में लोक शिक्षण संचालनालय ने इसकी जानकारी का खुलासा किया है। और ये भी हम आपको बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र ने नहीं माना विशेष शिक्षक। जी हाँ, आपको ये भी बताया कि दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए एक जो शिक्षकों की जरूरत होती है वो यहाँ पर नहीं है। और ये पूरे प्रदेश के हालात है, दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए मोबाइल स्रोत सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की गई है। और राज्य शिक्षा केंद्र भी अपनी गलती से लेकर नहीं मान रहा है। और मध्य प्रदेश के एक ने सारे स्कूलों की ये हकीकत है, जहां दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए एक भी विशेष शिक्षक यहां पर नहीं है। साथ ही आपको हम ये भी बताते चले कि आरटीआई में लोक शिक्षण संचालनालय की जानकारी में इस पूरी बात का खुलासा हुआ है कि दिव्यांगों के लिए जो विशेष शिक्षक रखे जाने होते हैं, जो स्कूलों में होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी हर एक चीज के लिए, लेकिन वो प्रदेश में कहीं भी नहीं है। राज्य शिक्षा केंद्र भी इसे नहीं मान रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है। और ये हकीकत है, आपको बता दें कि आरटीआई में लोक शिक्षण संचालनालय में इसकी जानकारी का खुलासा हुआ है कि सरकारी जो स्कूल है प्रदेश भर के, वहां पर दिव्यांगों के लिए कोई विशेष शिक्षक नहीं है। जबकि दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षकों की जरूरत होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक अलग से शिक्षक होती है, एक अलग से तैयारियां होती है जो स्कूलों में जरूरी होती है, सरकारी स्कूलों के लिए भी जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि यहां पर कोई भी विशेष शिक्षक दिव्यांगों के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत, आपको बताएं कि दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए एक भी विशेष शिक्षक यहां नहीं है। आरटीआई में लोक शिक्षण संचालनालय ने इसकी जानकारी का खुलासा हुआ है। आपको बताया कि दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए मोबाइल स्रोतों सलाहकारों की नियुक्ति की जानी थी और वो भी नहीं है। राज्य शिक्षा केंद्र ने नहीं माना कि विशेष शिक्षक यहाँ पर है। और ये जो हकीकत है वो अब निकल कर सामने आई है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की जरूरत है वो पूरे प्रदेश भर के जो सरकारी स्कूल है वहां पर नहीं है।